हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम खेलने वाले हैं अनडाउन गेम। तो इस गेम की स्टोरी स्टार्ट होती है कि कुछ लोग हम पे अटैक करते हैं। तो इस गेम की स्टोरी ये है कि हम रास्ते में गाड़ी चलाते हुए जा रहे हैं तो कुछ लोग हम पे अचानक से हमला कर देते हैं। हमारी गाड़ी पे अचानक से हमला हो जाता है जिसकी वजह से हमारी गाड़ी में आग लग जाती है। तो हम उधर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और हम बाहर निकलते ही हम पे कुछ लोग पीछे से अटैक करते हैं। तो हम अपनी सेल्फ डिफेंस करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो लोग हमें पीटने लगते हैं और हमें बहुत ज़्यादा मारते हैं और हम ज़मीन में गिरा देते हैं। इसके बाद जब वो एक दूसरे को धक्कियाँ पास करते हैं हमें मारने के लिए तो पीछे से अचानक उन पर एक ज़ोंबी अटैक करते हैं। ज़ोंबीज़ को देख के वो लोग भाग जाते हैं और एक इंसान को वो खा जाते हैं और हम वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं और हम वहाँ से एक चीज़ लेते हैं जो हमारा लॉकेट है और उसको लेके हम छत से, एक बस है उसकी छत पर निकलते हैं और हम देखते हैं कि ज़ोंबीज बहुत ज़्यादा हैं, हम उनसे लड़ नहीं सकते। तो हम वहाँ पानी होता है उसमें छलांग लगा देते हैं पानी, और अब ये गेम स्टार्ट होती है। पहले तो हमें वो गाइड करते हैं कि हमने कैसे इस गेम को खेलना है। ये लाइन जो हमें दी गई है हमने उस लाइन को फॉलो करना है ताकि हम अपने डेस्टिनेशन में पहुंच सकें। Any weapons and meds? Might be able to find something in a gas stop. ये तबाह हो चुके हैं, शायद यहाँ पे ज़ोंबीज ने अटैक किए हैं। तो हम यहाँ से आगे जाके देखते हैं कि हमें क्या मिल सकता है। देखें गाइस, ये एक आदमी है जो कि मर चुका है। Those are zombies. जो हमारे काम के हैं। Gotta be careful. ले लेंगे। It'll be a problem if I get injured here. से लड़ सकें। तो हम यहाँ पे हम पे ज़ोंबीज अटैक कर रहे हैं। आगे जाना होगा। Need to find some. I hope the scavengers haven't cleaned this place out yet. जाके देखेंगे कि हमें क्या मिल सकता है जो हमारे काम आ सके। तो हम देखेंगे कि कोई ज़ोंबी हम पे अटैक तो नहीं कर रहा। उसके बाद हम इसके अंदर जाएंगे तो हम अंदर देखेंगे कि हमारे क्या काम आ सकता है। यहाँ पे कोई कैन है, ये शायद कोई खाने की चीज़ है तो हम इसको ले लेते हैं। लेकिन ये तो खाली है तो खाली है, लेकिन हम इसको लेंगे। शायद ये आगे जाके हमारे कोई चीज़ बनाने में काम आए। तो हम यहाँ पे इसको फॉलो करते हैं और चीज़ें देखते हैं जो हमारे काम आ सकते हैं। यहाँ पे कुछ और खाने की चीज़ें हैं तो हम उनको यहाँ पर हमें कोई चीज़ मिली है, एंटीबॉडीज़ मिली हैं। अब हम उसको खाएंगे ताकि हमें कोई ताकत मिल सके और हम आगे जाते हैं कोई और काम की चीज़ मिल सके। तो हम यहाँ ढूंढते हैं तो हमें यहाँ पे एक बुक मिल चुकी है। अब इस बुक में थैंक्स हर्मिया, अब इसको हम छोड़ देते हैं, ये हमारे काम के नहीं है। हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो जल्दी हम इस जगह से भाग जाएँ। यहाँ पर एक और बुक है, हम पहले इस बॉक्स को खोलेंगे, इसके अंदर से क्या निकलता है। तो हमारे पास गन शॉट मिली है, हमारे पास गन्स मिल चुके हैं। तो अब हम इसको देखेंगे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो अब हमें आसानी होगी ज़ोंबीज को मारने में। चलें अब लड़ते हैं ज़ोंबीज के साथ। अब हमारे पास हथियार भी हैं। अब ये गन कैसे ला सकते हैं इसका ऑप्शन मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये हमारे पास चाकू है, हम इससे इन सब को मार सकते हैं। और अब हम यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं ताकि हमें ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे। तो ज़ोंबीज तो अंदर ही बैठे हैं, मैं यहाँ बाहर निकला हूँ। अब हमें इनको मारना होगा क्योंकि हमारा मिशन है कि हमें 6 ज़ोंबीज को मार के ही जाना है। इसलिए अब हम यहाँ से स्कैम नहीं कर सकते। अब इनको हम मारेंगे, 2 और आ चुके हैं, इनको भी मारेंगे तो 6 हो जाएंगे। हमने 6 ज़ोंबीज को मारा है, हमारा मिशन कम्प्लीट हो चुका है। हम देखते हैं कि यहाँ से हमें क्या मिल सकता है।
तो अब हमें इधर से कुछ नहीं मिला, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ से भागते हैं। तो चलें चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे कुछ और ज़ॉम्बीज हैं, अब हम इनके साथ नहीं छेड़ेंगे, हम डायरेक्ट यहाँ से भाग जाएंगे, क्योंकि हमारे पास इनको मारने के लिए कोई मिशन नहीं है। इसलिए हम इसको पहले रिपेयर करेंगे अपने बाइक को और बाइक को, और हम इसमें अब यहाँ से एस्केप कर सकते हैं। तो देखें गाइस, हम यहाँ से एस्केप कर चुके हैं, शायद ये कोई बेस कैंप है कोई आर्मी की, शायद हम वहाँ जा रहे हैं और हम यहाँ पे जाएंगे। तो गाइस, इन्होंने तो अटैक कर लिया है, ये हम पे फायर कर रहे हैं, हमें रोकने की कोशिश कर रहे हैं और इन्होंने हमें रोक भी लिया। तो अब हमें अंदर जाना होगा, ये कोई आर्मी की बेस कैंप है। तो अब हम गाइस हम इनके साथ कन्वर्सेशन करेंगे और ये हमसे पूछ रहे हैं कि हमें कोई ज़ॉम्बी में अटैक तो नहीं किया, ये हमारा इंस्पेक्शन करेंगे ताकि इनको कंफर्म हो जाए कि हम कोई ज़ॉम्बी नहीं हैं। और ये हमारा अब चेकअप करेंगे, यहाँ पे एक नर्स है, तो हम इससे बात करेंगे कि अब ये हमारा चेकअप कर रही है और ये स्कैन कर रही है हमें। तो हम पे कोई ज़ॉम्बी से अटैक नहीं किया और वो हमें कह रही है कि कोई इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। अब हम यहाँ एक डॉट है वहाँ पे हमें जाना है, यहाँ पे एक डॉक्टर और एक लड़की आ चुकी है, अब हमें इनसे बात करना होगा। This is the Raven shelter. You're safe here. Since this is your first time in the shelter, we need to perform a health and safety check for security purposes. I hope you don't mind. Thank you. Oh, by the way, this is Dr. Michael. He'll be in charge of your checkup and treatment. Hi, I'm Dr. Michael. I manage all medical operations in the Raven shelter. Sometimes I also travel to other outposts to provide medical support. Let me take a look at your wounds. Well, nothing serious, just a few scratches. All you need is a bandage and a good night's rest. Follow me. I'll find you a place to rest.